आपके द्वार उपक्रम के तहत जिले में अब नागरिकों को निर्माण कार्य के लिए घर बैठे एक क्लिक पर आसानी से रेत मिल सकेगी। इसके लिए सरकार की ओर से महाखनिज वेबसाइट उपलब्ध कराई गई है। प्रति ब्रास 600 रुपए रेट तय किया गया है। यह जानकारी जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर ने खुद दी है। गुरुवार 8 जून की शाम जिलाधिकारी कार्यालय स्थित बचत भवन के सभागृह में ऑनलाइन रेत खरीदी वेबसाइट की जानकारी साझा करने के लिए पत्र परिषद का आयोजन किया गया था। इस समय नागपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद, पुलिस उपायुक्त नागपुर शहर मुमक्का सुदर्शन, अपर जिलाधिकारी आशा पठान, जिला खनन अधिकारी डॉक्टर अतुल दोड़, कार्यकारी अभियंता अनित पराते, परिवहन अधिकारी SP फासे प्रमुखता से उपस्थित रहे। बेहद कम रेट में घर पहुँच रेत उपलब्ध होने से तस्करी पर अंकुश लगने का विश्वास जिला अधिकारी ने जताया है। जिला खनिज प्रतिष्ठान के 60 रुपए तथा SI के 16.52 रुपए शुल्क समेत रेत का दाम कुल 676.52 रुपए होगा। एक परिवार को 10 ब्रास तक रेत दी जाएगी। इसके लिए संबंधित व्यक्ति के परिवार का आधार कार्ड आवश्यक होगा। रेत बिक्री के लिए जिले में कुल 11 डिपो तैयार किए गए हैं। वेबसाइट पर रेत परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्टर की सूची और फोन नंबर उपलब्ध कराई गई है। मोबाइल फोन तथा आपली सेवा केंद्र से भी रेत खरीदी के लिए पंजीयन किया जा सकता है। आज हमने जो महाराष्ट्र शासन ने जो नया सैंड पॉलिसी का नियमावली लाई है, उसके तहत शासन का हर नागरिक को रेती सस्ते में और टाइमली मिलने का जो धोरण है, उसमें 600 रुपये में हम नागरिकों को रेती उपलब्ध करके देने वाले हैं। उसी के अनुसार जो आज हमने वेबसाइट देखे महाखरीज की, उसमें आपके सामने हमने एक लाइव डेमो करके दिखाया। एक नागरिक ने आके खुद के हाथ से पैसे 600 रुपये भर के अपनी रेती बुक की है। तो मेरी सभी नागपुर के रहवासियों से विनंती है कि जिनको भी रेती लगती है वो इस वेबसाइट पे जाके ऑफिशियली और सस्ती रेती खरीद सकते हैं। और ये पॉलिसी आने से प्रशासन का ऐसा मानना है कि 600 रुपये से सस्ती रेती कोई भी नहीं दे सकता है। तो इसलिए जिनको भी रिक्वायरमेंट है, और इसमें एक व्यक्ति एक महीने में 11 ब्रास रेती इसमें बुकिंग कर सकता है अपने आधार कार्ड पे, और हमारे डेपो में लगभग 50 से 55 हज़ार ब्रास रेती अभी उपलब्ध है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 50-55 हज़ार ब्रास रेती अगले बारिश होने तक के लिए मुबलक है, यानी कमतरता नहीं होगी, क्योंकि नेक्स्ट एक्सकवेशन सीजन सितंबर में शुरू होगा बारिश होने के बाद। तो ये 3 महीने में हम ये रेती अगर टाइमली लोगों तक पहुंचा सके, तो मुझे लगता है कि जो रेती का आर्टिफिशियल स्कैरसिटी बनाई गई थी वो नहीं रहेगी और नागरिकों को टाइम पे और सस्ती रेती उपलब्ध हो जाएगी। NBC न्यूज के लिए राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।